झारखंड में लॉकडाउन 27 तक बढ़ा, 16 से और सख्ती नहीं चलेगी। बस इस शादी में केवल 11 लोग होंगे। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने मिनी लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 27 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में शादी केवल अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगी। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों को होम क्वारंटाइन या अस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगी। इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई पास के आधार पर ही किया जा सकेगा। विभागीय और समिति नियुक्ति में झारखंड के मूल व अस्थायी निवासी को ही आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि विभागीय और समिति परीक्षाओं से हो रही नियुक्ति में सिर्फ झारखंड के अस्थायी निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले कर्मचारी एकीकृत बिहार में नियुक्ति होने और पहले से ही काम करते रहने के आधार पर आरक्षण लेने के हकदार नहीं है। झारखंड कैडर मिलने के बाद यदि कोई आरक्षण का दावा करता है तो वह तभी मिलेगा जब वह झारखंड का ही मूल निवासी और अस्थायी निवासी हो। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार की अपील याचिका पर बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने एकल फीट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले को नियुक्ति में आरक्षण देने का आदेश दिया गया था। 16 मई से और ज़्यादा रहेगी सख्ती, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण की तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब शादी में अधिकतर 11 लोगों की मौजूदगी ही रहेगी, वो भी केवल अपने घरों या कोर्ट में। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। वह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई पास के आधार पर ही किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज की दर तक कोई अधिक ले तो मिला फोन। हेमंत सोरेन सरकार ने निजी अस्पताल में कोविड उपचार की दर तय कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि तय दर से अधिक वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर जिले के लिए सरकार ने अलग अलग दर तय की है। कोई अधिक पैसा ले तो 104 पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं। पूरे राज्य के निजी अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार की दरें तय हैं। इन तय दरों से ज़्यादा रकम लेना कानूनन जुर्म है। श्रमिकों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। झारखंड से बाहर रहने वाले श्रमिक प्रवासी नियंत्रण कक्ष में बता सकते अपनी परेशानी। मंत्री ने कहा सभी शिकायतों का होगा समाधान। झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों व विदेश में रहने वाले झारखंड के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि इस महामारी में
श्रमिकों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी लाखों की संख्या में श्रमिकों को मदद की गई, इस बार भी स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों को अपने राज्य वापस लाया जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए एक कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इसमें फिया फाउंडेशन भी मदद कर रहा है। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी कोविड जांच। हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 5 लाख टेस्टिंग किट का दिया गया है ऑर्डर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की जाँच के लिए सरकार ने 5 लाख टेस्टिंग किट के ऑर्डर दिए हैं जो जल्द मिल जाएगी। इसे मिलते ही जाँच की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में 18 प्लस 14 मई से टीकाकरण शुरू, लेकिन अब तक 29,000 लोगों ने ही कराया है रजिस्ट्रेशन। झारखंड में 14 मई से 18 वर्ष अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। टीकाकरण के लिए अब तक केवल 29,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कम रजिस्ट्रेशन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंता भी जताई। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इसके लिए युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी और निबंधन बढ़ाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कोविन पोर्टल पर अब तक कुल 29,206 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। झारखंड में लगातार तीसरे दिन कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ी। रांची में 4 गुना कोरोना संक्रमित ठीक हुए। झारखंड में मिनी लॉकडाउन का असर धीरे धीरे दिखने लगा। राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो राहत की बात है। वहीं रांची जिले में मई महीने में पहली बार नए मिले कोरोना संक्रमितों से 4 गुना अधिक स्वस्थ हुए। बता दें कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से 13 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की है या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और आगे बढ़ाने की संभावना है। झारखंड में 13 मई 2021 तक मिनी लॉकडाउन, इस दौरान दोपहर 2 बजे के बाद आवश्यक वस्तुओं को छोड़ आने पर पाबंदियां हैं। दोपहर 2 बजे के बाद दुकान नहीं खुला रहेगी, सड़कें सुनसान है। इसका असर कोरोना के आंकड़ों पर देखा जा सकता है। लगातार तीसरे दिन झारखंड में कोरोना संक्रमण के स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। पंचायतों में इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति लटकी। 20 अप्रैल को इतने पदों के लिए होनी थी परीक्षा। राज्य की पंचायतों में कनीय अभियंताओं और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति 4 माह की प्रक्रिया के बाद भी नहीं हो सकी। यहां फरवरी से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने कोरोना को देखते हुए नियुक्ति के लिए तय अंतिम परीक्षा को स्थगित कर दिया। परीक्षा 20 अप्रैल को ही होनी थी। विभागीय ने लिखा है कि स्थिति सामान्य होने पर अब परीक्षा ली जाएगी। ऐसे में काफ़ी समय तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी। झारखंड में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,362 नए केस 97 मरीजों की जान गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 4,362 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 97 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। राज्य भर में 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या 8,331 है। राजधानी रांची में बुधवार को 658 कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जबकि यहां 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। रांची में इस दौरान कोरोना को हरा कर ठीक होने वालों की संख्या 2020 है। जेपीएससी समिति परीक्षा डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण के लाभ पर एससी ने दिया ये अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी समिति परीक्षा डिप्टी कलेक्टर में हुई नियुक्ति में आरक्षण के लाभ पर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले एकल पीठ के पूर्व के आदेश को खारिज करते हुए खंडपीठ की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने एकल पीठ के
पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए सरकार और जेपीएससी के पक्ष को सही ठहराए। कोर्ट ने समिति परीक्षा ड्यूटी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण के लाभ पर अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि संयुक्त बिहार के दौरान हुई परीक्षा में बिहार के जिन अभ्यर्थियों को झारखंड कैडर मिला है उन्हें वर्तमान में आरक्षण का लाभ प्रोन्नति में ही मिलना संभव हो सकेगा, नई नियुक्ति में इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। मामला 2010 के जेपीएससी समिति परीक्षा की विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की अनिवार्य शर्त रखी गई है, जिससे लेकर प्रार्थी अखिलेश प्रसाद ने मनोज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की है।